बाल आश्रम सुजानपुर में दीवार फांद कर 9 जून को भागे 4 में से 2 छात्रों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। हमीरपुर पुलिस ने इन दोनों छात्रों को दिल्ली स्थित रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। पुलिस टीम इन दोनों को पकड़कर हमीरपुर लाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले सोमवार को इन दोनों को दिल्ली स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया गया। बाल आश्रम सुजानपुर में दीवार फांद कर 9 जून को भाग गए 4 में से 2 छात्रों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। हमीरपुर पुलिस ने दोनों को दिल्ली स्थित रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। हमीरपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई पुलिस टीम इन दोनों को पकड़कर हमीरपुर लाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले सोमवार को इन दोनों को दिल्ली स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया गया, जहां पर रिकॉर्ड जांचने के बाद महेंद्र और विक्रांत को हिमाचल पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक हफ्ता पहले 4 छात्र सुजानपुर बाल आश्रम के दीवार फांद कर भाग गए थे। ये मुख्य अधीक्षक के आवास का ताला खोलकर भागे थे। भागने का वीडियो बाल आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। सुजानपुर पुलिस ने फोटो और सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में लेकर छानबीन शुरू की। शेष 2 छात्र कहाँ हैं, किस तरफ गए हैं, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। छानबीन के लिए सुजानपुर पुलिस ने निकटवर्ती थानों में सीसीटीवी फुटेज और उनके फोटो भेज दिए हैं। जगह जगह पर गायब छात्रों की तलाश जारी है। अशोक कुमार निवासी बिहार, जगजीत निवासी हमीरपुर, महेंद्र कुमार निवासी बैजनाथ और विक्रांत निवासी ऊना आश्रम से भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि बाल आश्रम से फरार 4 में से 2 छात्रों को दिल्ली से बरामद कर लिया गया है और दोनों को ही हमीरपुर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।